अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रहा है। ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं है, 10 o'clock का टाइम है, तो मैं तब व्लॉग स्टार्ट ले रही हूँ। क्योंकि जैसे कि कल आप लोगों ने व्लॉग में सुना होगा कि मुझे आज फातिमा के स्कूल जाना था, तो आज मैं जा रही हूँ फातिमा के स्कूल इसके एडमिशन के लिए। तो स्कूल की टाइमिंग तो जो है वो हमारी टाइमिंग से पहले ही ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए भी आज मुझे जल्दी उठना पड़ा। और यहाँ पे मैंने अपनी फातिमा को जो है वो पूरा अच्छे से रेडी कर दी है, तो बस अभी नीचे चलती हूँ क्योंकि अरीशा जो है वो मेरे नीचे वेट कर रही है। उसको मैं साथ लेके जा रही हूँ स्कूल। अब देखते हैं स्कूल में चल के क्या होता है, एडमिशन हो पाता है या नहीं हो पाता है। इंशाल्लाह अल्लाह करे हो जाए, रजिस्ट्रेशन होगी आज तो खैर मुझे स्कूल भी पसंद आ जाए। और सर्दी की वजह से अभी तक इसकी खांसी जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है। 10 बजे से मैंने इस महारानी को बोला हुआ था कि अरीशा रेडी हो जाओ, लेकिन अभी 10:30 का टाइम हो गया, अरीशा अभी तक रेडी नहीं हुई और हम लोग को लोग वेट कर रहे हैं। ऐसा थोली होता है पप्पू, 10 बजे बोला था अभी तक रेडी नहीं हुई है। कब जाएंगे हम लोग स्कूल, है ना फातिमा? जल्दी रेडी हो जाओ। हो गई? अच्छा जी, मुझे अपनी बेटी को भी रेडी करना था। A few moments later. तो फाइनली हम लोग स्कूल पहुंच गए और यहाँ पे मैं उन्हें पूरी डिटेल दे रही थी, फातिमा की नेम की, फातिमा के पापा की और अपनी। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मतलब स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो यहाँ पे ये रीशा पता नहीं क्या क्या वीडियो बनाई थी, मैंने उसको स्कूल की बनाने बोली, इसने जो वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए थे उनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। तो बस अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रही हूँ मैं, प्रिंसिपल से सब बात बात हो चुकी थी, जो भी था वो सब प्रोसेस पूरा हो गया था। अल्लाह का शुक्र है मुझे स्कूल भी पसंद आ गया था। बस अब रजिस्ट्रेशन करवा के अब हम लोग घर जाएंगे और कल आएंगे इंशाल्लाह एडमिशन के लिए। लोग अभी हम लोग घर आ गए और मेरी बेटी जो यहाँ पे जिद कर रही है दोबारा जाने की, और ये रहा पूरा फॉर्म एडमिशन का। अब इसको फिल करके दोबारा के लिए जाना होगा एडमिशन करवाने के लिए, और पेमेंट पे करनी होगी, जो भी प्रोसीजर है वो करना होगा। फाइनली डन हो गया और अब आ रही है मुझे बहुत ही तेज़ की नींद और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है नींद की वजह से। और अभी बस मैं जा रही हूँ सोने के लिए, 1-2 घंटा है फिर उसके दोबारा उठ जाएंगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, नींद पूरी करके फिर अपनी वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करूँगी। और फाइनली अल्लाह का शुक्र है मेरी नींद पूरी हो गई। आज मैं बहुत ही लेट उठी, सुबह जल्दी उठने की वजह से बिल्कुल आँख ही नहीं खुल रही थी मेरी, बहुत ज़्यादा लेट में उठी। और अभी जो है हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र, ऐसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं फॉर्म वगैरह ले आई हूँ, हम लोगों ने स्कूल जो है सिलेक्ट कर लिया है। अभी फातिमा को मैंने रेडी कर दिया, उसको इसके बाबा के साथ भेज रही हूँ। इसके पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए तो वो पिक्चर्स क्लिक करेंगे, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन की फोटो कॉपी चाहिए वो करेंगे। तो आज मैं फॉर्म फिल करूंगी इसका, तो फिर इंशाल्लाह देखती हूँ कल या परसों फिर स्कूल में जाके इसका जो बाकी फॉर्म है वो सबमिट करवा के एडमिशन के जितने ही बाकी फॉर्मेलिटीज है वो सब पूरी कर दूंगी। तो फाइनली मेरी बेटी का एडमिशन जो है वो हो जाएगा। बेबी इधर देखो, आप स्कूल जाओगी? इधर देखो, इधर तो देखो कैमरे में देखो, स्कूल जाओगी आप? आज आप अपनी फ्रेंड से मिली थी, ये वहां पे बच्चों को देख के बहुत खुश हुई थी, छोटे छोटे बच्चे थे उनको देख के बहुत उनके साथ घुल मिल गई थी और उनके साथ खेलना चाह रही थी कि मैं उनसे जाके खेलूं। अब देखो अल्लाह करे ऐसे ही स्कूल में जाके भी हो, तंग नहीं करे, रोई नहीं बिल्कुल भी। अभी मेरी फातिमा जा रही है पिक्चर्स बनवाने के लिए, जहर लेके जा रहे हैं फातिमा को, बनवा लेंगे पिक्चर्स इसकी मेरे बिना, तंग तो नहीं करेगी ना? चलो लेके जाइए पिक्चर्स बनवाइए और फिर इंशाल्लाह कल जाएंगे इसके एडमिशन के। उधर कितनी खुशी है इसके एडमिशन की? जितनी तुम्हें ना उससे ज्यादा। अल्लाह जी मुझसे ज्यादा नहीं हो। जाओ अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तो जी फातिमा को तो मैंने भेज दिया उजैर के साथ, फातिमा के होते हुए मैं टेलर के पास नहीं जा सकती थी, कल मुझे जाना था टेलर के पास, गई भी थी लेकिन जो है वो मैं नहीं कर पाई अपना काम। तो आज मैं दोबारा जा रही हूँ टेलर के पास। अभी अरिश्का को मैंने बोला है अबाया पहन लो, तो अभी मैं जाती हूँ नीचे जल्दी से अबाया पहन के और टेलर को जाकर जल्दी से ड्रेसेस देख के आ जाती हूँ, ताकि ये टेंशन मेरे सर से जो है वो खत्म हो जाए। मैंने अरिश्का को जाने के लिए पहले से बता दी, तो मुझे पता था ये लड़की जो है वो कभी भी टाइम पर रेडी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी अभी भी ये बोल रही है मेरा सॉक्स का, मेरा शूज का, इधर आ इधर आ, जल्दी से इधर आ, इधर आ। कभी टाइम पे रेडी होना सीखा नहीं है ना, नहीं होना है ना कभी टाइम पे रेडी। चलो अब शॉपर उठाओ, फातिमा को मैंने उजैर के साथ भेजा है वो घर में आ गया, शॉपर वॉपर नहीं पकड़ूंगी मैं, जल्दी पकड़ो उजैर, अगर आ गया ना फातिमा को लेके तो बस फिर मैं नहीं जा सकती, उसको भी साथ लेके जाना पड़ेगा मुझे। कैसी नंद है यार, वाकई सही बोलते है नंद गंद है। मामा आ गई, यूं यूं की मामा आ गई।
मामा शौक के चली गई थी अपने बाबू को, शौक के चली गई थी, कहाँ गया था बताओ। अरे वाह, मैं छोड़ के गई, इनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, ये तो यहाँ रोज खा ली है। वाह भाई वाह, ये झूला भी झूली है। हाँ वाह बेटा, झूला भी झूल के आ गए मामा के बिना अकेले अकेले। बेटी की पिक्चर्स बन के आ गई है, इसके पिक्चर्स देख के मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों यार। ये है ये। अल्लाह क्या लग रही है फातिमा। अभी यहाँ पे मैंने सब्जी जो है वो कट की है कल के लिए, कल मुझे बनाना है खाना और साथ साथ कपड़े भी धोने हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सब्जी कट करूँ उसके बाद खाना बनाऊँ, इसलिए अभी से मैं कट करके रख दे रही हूँ ताकि कल बहुत आसानी हो जाए मुझे बनाने में। अभी जो है मैं नीचे जा रही हूँ, अरीबा से ये वाला फॉर्म फिल करवाना है, वो और मैं मिलकर कर लेंगे, तो दो लोग होते हैं फिर टेंशन नहीं होती है, कुछ जो समझ नहीं आ रहा था दूसरे से डिस्कस कर लेते और फिल कर लेते। फातिमा रुको रुको, मामा लेके जाएंगे, तो चलिए नीचे चल के पहले फॉर्म फिल करवा लेती हूँ फातिमा का। फातिमा के बाबा फातिमा के लिए कबाब जी से लाए हैं खाना, ये अभी मामा खोल के देंगे, आप नहीं खोलिएगा, और लेकर आए हैं लबन मीन लस्सी, वो भी नेस्ले की, और क्या लाए हैं बाकी कुछ काम का नहीं है। अरे वाह, ये भी आया है फातिमा के लिए भाई, उस दिन फूफू के बैग में देखकर मांग रही थी, टिशू है ये, बाबा लाए हैं सोनू के लिए, उस दिन सोनू मांग ली थी ना, चाहिए ना आपको, ले लीजिए। और अभी ये अपनी पसंद की चीज खा के जो है वो सो चुकी हैं, सुकून से आराम कर रही हैं अभी ये, और इसी के साथ अपने व्लॉग को भी एंड करूंगी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलूंगी कल एक और व्लॉग के साथ, तब तक इस व्लॉग को फुल देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दुआ में याद रखिएगा।